कैबिनेट मंत्री ने लालजीत सिंह भुल्लर भुल्लर साहब की विचार हुई हैं, क्योंकि देखा जाए तो पहला जिहड़ा जन प्रतिनिधि सम्मेलन किया जा सकता है, जिहड़े लोगों चो चुने हुए आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे ने वह अज पहली बार दिल्ली पहुंचे। पूरे भारत के हरेक स्टेट के आम आदमी पार्टी के चो निशानते कौंसलर सरपंच एम एल ए एम पी जिन्हें भी नुमाइंदे जिते ने अज उन्हां दा सम्मेलन श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने विचार दिते। तो आने वाले समय च भारत को पूरी दुनिया का नंबर एक लजाण वाला देश बनाने लई अज श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने विचार दिते। तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी आ जिन्हें राजनीति चेंज करती, आम घर के धियां पुत जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं भी असी एम सी एम एल ए सरपंच जां मंत्री मुख्यमंत्री बनांगे, उन्हां बंदियां नूं वड्डियां वड्डियां कुर्सियां ते बिठाता। तो ऑपरेशन लोटस जिहड़ा चलता पिया बीजेपी का, जिहड़ा कि कांग्रेस के बसपा के होर पार्टियां के 285 एम एल ए अज तक इन्हां खरीदे ते करोड़ां हजारां करोड़ रुपया दिता बीजेपी वालियां ने। सवाल लै लो, वो कहिंदे कहिंदे तुसीं झूठ बोल रहे हो, असीं तां खरीद नहीं रहे। वेखो जिहड़े 285 पहलां खरीदे आ, किन्नियां स्टेटां च सरकारां सुट गईआं, ते पहलां दिल्ली च इन्हां ऑपरेशन लोटस शुरू किया, उत्थे फेल होया, फिर पंजाब च भी किया तो उत्थे भी फेल होया। भुल्लर साहब नूं फोन तां नहीं आया? नहीं वेखो मैनू कोई फोन नहीं आया, मैं इवें क्यों कहूँगा कि मैनू फोन आया? 25 करोड़ दा ऑफर है ना? नहीं नहीं, मैनू पता भी नहीं हुण किन्ना ऑफर आ। बाकी जिहड़े एम एल एआं नूं आम आदमी पार्टी दे साडे एम एल ए उन्हां नूं जिन्हां नूं फोन आए ते उन्हां ने पर्दा भी फाश किया। बाकी आम आदमी पार्टी वो पार्टी आ जिहड़ा जिन्हां नूं खरीदण लई अजे तक नोट नहीं बने, ते बड़ी वड्डी ये जिहड़ी वेखो इमानदारी की जित होई आ, बड़ी वड्डी जित आ। सब फौजा सिंह सरारी का बहुत जिक्र कर रहे हैं, विरोधी कहते कार्रवाई नहीं हो रही, ऑडियो भी आ गई, सौदे भी हो गए। वेखो ये जी ऑडियो आदि जाँच होगी, अपन भी पता कि सैंस का युग आ, डबिंग हो जाती है, कई कुछ हो जाता, यदि जाँच होगी। कई ऑडियो इस तरह बना बना के फेक ऑडियो पेश कर देंगे लोग। वेखो जिहड़ियां विरोधी पार्टियां वो प्रोपोगेंडे कर रही, साडे एम एल ए पिछे जाण बुझ के गलत आंसर लाए आ, कई गलत पोस्टां भी पाउंदे, कई कुछ करदे आ, इहो जिहियां कई शिकायतां आउंदियां। तो वेखो जो सच्चाई आ वो लोगों के सामने जाँच तो बाद आपे आ जाए। सिंगलां नूं ना कोई ऑडियो आई, ना कोई गल हुई, ना कोई बात हुई, विजय सिंगलां नूं एवें टंग के रखता, इन्हां दी ऑडियो भी आ गई, कहिंदे भी दोहरा मापदंड है, या तो वह सही सी या फिर यह सही नहीं। वेखो विरोधियों को प्रोपोगेंडे तो बिना कुछ नहीं हैगा, ये जिहड़ियां रवायती पार्टियां इन्हां दीआं पिछले समय च जो सरकारां आउंदियां इन्हां दीआं कई ऑडियो आउंदियां रहियां, किसी से कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ यो वेंदे रहे भी साडा एम एल ए जो मर्जी करे उन्हूं माफ़ आ। तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी आ, भावें अपना तो भावें बगाना, जिन्हें गलत किया उत्ते कार्रवाई हुई है, तो जाँच चल रही है। तुहानूं दस्सिया भी जे जाँच गलत होगा कुछ राजनीतिक पैंतड़े सिख गए जे कि नहीं? वेखो ना तो आप राजनीतिक है गए हैं तो ना राजनीतिक पैंतड़े आप सीख सकते हैं। वेखो मेरा जे आप रवायती पार्टियां नाल लोहा किवें लाउंगे? वेखो जे जिहड़ा बंदा सच्चा ना उन्हूं किसी नूं राजनीति करके किसी नाल लोहा लैण दी लोड़ नहीं, जिहड़ा बंदा सच्चा उहदी वाहिगुरू मदद कर दिंदा। तो जिहड़े उन्हां को पैंतड़े वो तो ना आप सीख सकते हैं ना सीखे जा सकते हैं। जिहड़े साडे जिहड़ियां विरोधी पार्टियां उन्हां कोल पैंतड़े आ, साडे बंदे जिहड़े सीधे साधे आ, साफ सुथरे बंदे आ। मैं अपनी गल कर लां, आम आदमी पार्टी च आउण तों पहलां वेखो 10 साल पहलां पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, 10 साल तो जिहड़े लोग आए वो किसी ना किसी पार्टी नाल तो जुड़े ही सन, भावें साडे अज मंत्री ने एम एल ए ने एम पी ने, किसी ना किसी पार्टी नूं तो वोट पाई होगी। तो मैं खुद अपनी भी गल करां, एज ए वोटर मैं अकाली दल कांग्रेस नूं वोट करता रहा, ना मेरे को कोई ब्लाक प्रधान सर्कल प्रधान ना कोई वार्ड प्रधान का, इतों कह के बूथ प्रधान का भी मेरे को झंडी लगी हुई है। हुण झंडी लाई, झंडी किन्ने लाई? इन्हां लोकां ने, पंजाब के लोगों ने, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने माण बख्शिया, विश्वास किया, तो हुण झंडी वाली गड्डी दिती आ। तो ये आम आदमी पार्टी चोण तो पहलां अज तो 2-2.5 साल पहलां मेरे कोई भी अहुदा नहीं सी, ना अकाली दल च ना कांग्रेस च, तो उन्हां पार्टियां च तो एक सरपंच बनना कौंसलर बनना ही बड़ा वड्डा माण समझा जांदा सी, बड़ी वड्डी कुर्सी समझी जांदी सी। तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिन्हें भी मेहनत की आ उहदी मेहनत का मुल पाया। हुण वेखो जिहड़े भरा साडे कंपीटीटर सन हलकियां दे विच एम एल ए दीआं टिकटां लई जिहड़े दावेदार सन, जे उन्हां नूं इह टिकटां नहीं मिली, टिकट तो एक बंदे नूं मिलनी सी, तो दूजिया हुण चेयरमैनियां मिल रही, जिहड़ियां चेयरमैनियां इन्हां रवायती पार्टियां च सुपना सी, ते आम आदमी पार्टी ने आम घरां दे पुत्तां नूं चेयरमैनियां भी दित्तियां, एम एल ए भी बनाया, मंत्री भी बनाया। रोडवेज की लारी किवें चल रही?
बिल्कुल बहुत वधिया जिहड़ा है तुसीं सवाल कीता जिहड़ी रोडवेज की लारी ते समय समय से सवाल उठते रहे भी ना कोई बूआ ना कोई बारी असी उस रोडवेज नूं बुलंदियां ते लैके जावांगे। अज साडा जिहड़ा ट्रांसपोर्ट विभाग आ उह डबल इनकम दे नाल चल रहा भावें रजिस्ट्रेशन की गल कर लईए भावें साडियां सवारियां दी इनकम की गल कर लईए किसी भी तरह का जिहड़ा साडा डिपार्टमेंट आ उहदे च रेवीन्यू च डबल वाधा आया ते आउण वाले दिनां च असीं नवीआं बसां भी पावांगे। सर्वा करवाए जा रहे हर थां तों जिथे जिथे बसों की जरूरत होगी बसा भी पावे हरेक पेंडू सरहदी खेत्र असी शहर जोड़ा ता जो किसी भी साड़ी धी तो पुत सिक्ख्या के खेत्र पढ़ाई कर ली किसी भी स्कूल ज किसी भी शहर से जान तो जोड़ा वा वो ग्रेज ना करना पवे। चैकिंग चलती रहेगी भुल्लर साहब अचनचे चैकिंग सफर करते रहोंगे? बिल्कुल बिल्कुल सफर भी करते रहेंगे तो टीम भी तैयार करती जी सा डीजल चोरी या टिकटा की चोरी होंगी असी विशेष जोड़े दस्ते बना दते अपने दस्ते जोड़े आप अपने समय ना ढंग ना चैकिंग करनगे तो उन्हां दस्तियां दी जिहड़ी सारी दी सारी जिहड़ी जांच आ उह साडा जिहड़ा उत्ते बैठे अधिकारी उन्हां नूं होवेगी तो उह सारी जो जानकारी आ उह साडे ट्रांसपोर्ट सैकटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ते मैनूं देणगे ता जो जिहड़ा साडा ट्रांसपोर्ट विभाग आ उहदे च जिहड़ी आ चोरी आ जां हेराफेरी हुंदी उह सारा कुछ बंद होवे। मेहरबानी गल्लबात लई खुल्ले दिल दे नाल जिहड़ी गल्लबात आ पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने की है ला जो रोडवेज की लारी नू बेहतर किमें बनाया जा सकता किमें डीजल की चोरी किमें टिकटों की चोरी रुकूगी ये तमाम गल्लां कीतियां और खास करके फौजा सिंह सरारी ते भी वड्डा बयान दिता कि चैकिंग हो रही है लगातार इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उस तो बाद जी कार्रवाई अमल च लिया जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जशन के नाल गगन शुक्ला।